वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एसएससी सीपीओ के फॉर्म के बारे में, जो कि आज ही अभी नोटिफिकेशन आया है शाम को 8 बजे। उसके बारे में क्या कुछ आपकी जानकारी, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, किस एग्जाम के लिए ये फॉर्म है, किस पोस्ट के लिए ये फॉर्म है, कितनी वैकेंसी है, क्या है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एसएससी सीपीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और थोड़ी बहुत बात हम एसएससी सीजीएल के बारे में भी करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप पूरा बेनिफिट चाहते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो यहां पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, आई वॉज सेलेक्टेड एज एन ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आई क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016। मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015 भी क्लियर किया है। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, त्रिवेदी अमन 25 इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अमन त्रिवेदी अगर आप सर्च करेंगे डबल आई एंड में, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और डेली असाइनमेंट्स के लिए आप www.amantrivedi.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब अपनी बात को शुरू करते हैं अपने एसएससी सीपीओ के फॉर्म के बारे में। तो देखो यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है। सॉरी, देखिए यह है आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी कि कब आपके फॉर्म आएंगे, क्या होगा। देखो यहां पर इन्होंने सबसे ऊपर ही सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। आपके जो फॉर्म हैं वो पूरे के पूरे 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर भर में आपके पूरे फॉर्म भरे जाएंगे। आखिरी तारीख फॉर्म भरने की होगी 16 अक्टूबर। आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट का जो आखिरी तारीख होगा वो 18 अक्टूबर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है पेपर वन का, वो 11/12/2019 यानी कि दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो, सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, अक्टूबर, नवंबर और आपका आता है दिसंबर, यानी कि 2 महीने के बाद में वो एग्जाम आपका कंडक्ट करा रहे हैं। इन सभी चीजों को हम सीजीएल से रिलेट करेंगे और फिर आपकी कुछ बातों को मैं आपको लूंगा यहां पर, ठीक है। तो आपका कब एग्जाम होगा, आपका दिसंबर में सीपीओ का एग्जाम होगा, ठीक है। जो लोग इस एग्जाम के बारे में तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर हमने इसके लिए एक्सटेंसिव बैच कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो एसएससी सीपीओ 2019 को ध्यान में रख के पूरी तरीके से क्यूरेट किया गया है। तो अगर आप एसएससी सीपीओ की अनअकैडमी प्लस के थ्रू जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, विनीत सर आपके मैथ्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो 5 से 5:30 बजे का बैच चल रहा है। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा। उसके लिए आप प्लस पर जाइए, 12 मंथ का प्लान चूज करिए, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अमन त्रिवेदी, इसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे उन्हें अप्लाई करेंगे तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कॉस्ट 5000 है, 5000 से घटके 4000 के आसपास रह जाएगी और आप उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सारे एग्जाम्स आते रहते हैं और हर एग्जाम के लिए हम कोर्स लाते हैं, तो उससे आपकी पूरी तैयारी एसएससी सीपीओ की हो जाएगी इस बैच के थ्रू। अभी एनरोल इसलिए कर लीजिएगा, ये बैच 1 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन अभी इसलिए एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि अक्टूबर 1 के बाद में फीस बढ़ जाएगी। एसएससी अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 अक्टूबर से पहले आप इस्तेमाल मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करें इस एग्जाम के बारे में, तो देखो ये एग्जाम आपकी 3 पोस्ट के लिए होता है। कौन कौन सी पोस्ट है आपकी? एसएस सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, सीएपीएफ में आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, ठीक है, यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है। सैलरी आपकी कितनी है? लेवल 6 आपका है, कुल मिला के 35,400 से शुरुआत होती है। ये आपकी बेसिक पे है, इस पे अगर आप डीए जोड़ोगे, एचआरए जोड़ोगे तो करीब आपका 55,000 तक आपका सैलरी बैठेगा। वही आपका यहाँ पे इन इस केस में भी हो रहा है। तो ये 3 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम है, अगर आप एसआई इन दिल्ली पुलिस, एसआई इन सीएपीएफ एंड एसआई इन सीआईएसएफ बनना चाहते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक। अब बात करें वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज अभी हमें नोटिफाई नहीं की गई हैं, एसएससी के टेंटेटिव वैकेंसी के कॉर्नर पे बाद में अपलोड की जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईएसएफ विल लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये जानकारी आपकी रिजर्वेशन के लिए है, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
नेशनैलिटी आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल नेपाली हो सकते हैं और भूटान के आप हो सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो मांग रहे हैं 20 से 25 साल। जो लोग 20 से 25 वर्ष की उम्र में हैं, 1/1/2020 को, 1/1/2020 को, ये काफी शॉकिंग चीज थी क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था वो 2019 की करेंगे क्योंकि फॉर्म 2019 का है, एसएससी का फॉर्म लेट है, इस वजह से इन्होंने डेट भी लेट कर दी, 1/1/2020 कर दिया है। 1/1/2020 तक आपकी जो एज ऑफ कैंडिडेट्स है वो मांग रहे हैं 20 से 25 वर्ष। तो अगर आप 1/1/2020 से पहले पहले 20 से 25 वर्ष के अंदर आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का आपका 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस पीरियड रेंडर्ड फ्रॉम, तो ये वो लोग बेहतर जानते होंगे। ये आपकी चीजें हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। हम इनको शॉर्ट में जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अच्छा एक चीज वो ये कहते हैं कि आपका जो ओबीसी का जो फॉर्म है वो 16/10/2019 से पहले का होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो लोग रिजर्वेशन वाले हैं, क्योंकि इसमें बाद में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, मैं हमेशा से कह रहा था कि 1 अगस्त को 2019 की डेट मांगेंगे वो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ये चेंज किया है, 1/1/2020 को वो मांग रहे हैं ग्रेजुएशन, यानी कि 1/1/2020 तक जिन लोगों का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन हो चुका है वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि 1/1/2020 तक जिन लोग अभी फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं या 1 जनवरी 2020 तक जो लोग पेपर दे लेंगे, जिन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा वो लोग एलिजिबल हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, 1/1/2020 से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक। अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ssc.nic.in की वेबसाइट पर आपको जाना है, मैं आपको तरीका बताता हूं क्या करना है आपको। देखिए, आप सिंपली यहां से ssc.nic.in की वेबसाइट इस तरीके से ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करते हैं तो देखो आपके साइड में इस तरीके का कॉर्नर आता है, मैं आपको दिखाता हूं, लेट इट ओपन। देखिए ये ओपन हो गया, यहां पर आपका ये यूजर नेम का ऑप्शन आता है, इसके अलावा यहां पर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं याद है, तो अगर मान लीजिए आप नए यूजर हैं तो न्यू यूजर पर जाकर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड और यूजर नेम रजिस्टर नेम भूल चुके हैं, आपने पहले किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, तो आप सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड पर चले जाइएगा, यहां से अपना स्टेट चूज करिएगा, यहां ईमेल आईडी डालिएगा अपना और यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद आप अपनी यहां से चीजें फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हो। जो नए यूजर हैं वो न्यू यूजर पे जाके रजिस्टर करें। अगर आपका नाम पुराना होगा, अगर आधार नंबर पहले रजिस्टर्ड होगा, तो वो तुरंत कैच कर लेगा और पता चल जाएगा कि आपने पहले अप्लाई किया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 16/10/2019, यानी कि एक महीने का समय है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए, क्यों इंतजार करना है हमें किसी चीज का। फॉर्म की फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है और आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री होता है ये फॉर्म, या फी पेइंग फी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फी। तो वुमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस का कोई चार्ज नहीं है, ठीक। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करें आपके की स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। देखो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, इन सब के बीच में फिजिकल होता है, ठीक। पेपर 1 के लिए आपकी जो डेट है वो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच की है। आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि चारों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है और 2 घंटे का ड्यूरेशन इसमें आपको मिलता है। इसके बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तब आपका होता है पेपर 2, जो कि है इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इसके टीयर 2 में आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछते, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एसएससी सीपीओ क्लियर करना है तो इंग्लिश बहुत अच्छी करके जाना है, अदरवाइज आपका ये एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि दिस एग्जाम इज मोर अबाउट इंग्लिश। आप देख सकते हैं वेटेज कितना है, 250, टोटल 250 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज है, ठीक। पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। सिलेबस आपका यहां पर दिया हुआ है, सिलेबस आप सभी लोगों को अच्छे से पता है क्या क्या सिलेबस होता है, वो मैं आप लोग हमारे कोर्सेज के थ्रू आप पता कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर बात करते हैं, ये हो गया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहां तक, ये तो हो गया आपके पेपर टू के लिए, आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, आपके ये सारा सिलेबस हो जाता है। तो ये अच्छे से याद रखो कि इंग्लिश पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है अगर एसएससी सीपीओ निकालना है, क्योंकि 250 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आ रही है, बाकी सब्जेक्ट का वेटेज 50-50-50 है टीयर वन में, ठीक। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल में इसमें काफी डिफिकल्ट, काफी अच्छा होता है फिजिकल इसका, मतलब जो लोग एक्चुअली कर पाते हैं वही कर पाते हैं। मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 170 मीटर्स, ठीक है, और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 होना चाहिए सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर इन जगहों से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये हाइट स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा एसटी के लिए ये हाइट स्टैंडर्ड्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट स्टैंडर्ड्स आपके ये हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं 157 फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए, तो आप लोग अपनी हाइट मेजर कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये क्वालिफाई करते हैं तो आप फॉर्म भरिए, अदरवाइज इसमें ज्यादा आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वेट जो है करस्पॉन्डिंग टू हाइट होना चाहिए, यानी कि फिट होने चाहिए आप, ओके। हाँ, फिजिकल एंड्यूरेंस देखिएगा ध्यान से, जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होना चाहिए आपका 100 मीटर्स इन 16 सेकंड। ये मैं यूआर का बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को यूआर कैंडिडेट्स का बता रहा हूं, ठीक है। यूआर कैंडिडेट्स के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको 100 मीटर्स जो है 16 सेकंड में दौड़ना होगा, ठीक है। और ये आपका जैसे जैसे यहां से देख सकते हो, जो ये आपके इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, तो 16 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप आपकी होनी चाहिए कितनी, लॉन्ग जंप आपकी होनी चाहिए 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, तीन चांसेस मिलेंगे, तीन चांस में आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप। हाई मीटर में, हाई जंप में आपको 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, तीन चांस मिलेंगे, उसमें 1.2 मीटर की हाई जंप हो जानी चाहिए। शॉर्ट पुट जो है आपका 16 पाउंड का आपको शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकवाया जाएगा, वो 4.5 मीटर आपको फेंक लेना चाहिए तीन चांसेस में। ये मेल कैंडिडेट्स का हो गया। इसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट्स का है, 100 मीटर इन्हें 18 सेकंड में करना है। इसके अलावा 100 मीटर रेस दौड़नी होगी 4 मिनट में, जो दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और आपका लॉन्ग जंप का जो है वो 2.7 मीटर तीन चांसेस में, और शॉर्ट पुट हाई जंप वो जो है 0.9 मीटर इन 3 चांसेस, ठीक है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात हो गई, इनको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें क्वालिफाई करते हो तो आप फॉर्म भरिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पेपर वन क्लियर भी कर लिया, तो पेपर टू तक आप तभी पहुंचते हैं जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। पहले होता है पेपर वन, फिर होता है फिजिकल, और फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तब होता है पेपर टू, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट की, हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। मेडिकल आपका सीपीओ का अच्छा होता है, यानी कि अच्छे से मेडिकल होता है। ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर पेपर टू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द सीएपीएफ, यानी कि जैसे नॉर्मल सीजीएल की पोस्ट के लिए क्या होता है, आप नॉर्मली अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हो और अपना मेडिकल बनवा लेते हो, लेकिन वहां पर सीएपीएफ के मेडिकल ऑफिसर चेक करेंगे। मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे। हु आर फाउंड टू बी अनफिट विल बी इन्फॉर्म टू द पोजीशन दैट दे मेक अपील टू रिव्यू मेडिकल ऑफिसर, यानी कि प्रॉपर अच्छे से मेडिकल इसका होता है। अगर आप कुछ भी मेडिकली फिट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा। आई साइट की अगर हम बात करेंगे तो आई साइट ये मांगते हैं, देखिए, द मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 विद बेटर आई N9 वर्स आई, मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6x6 विद बेटर आई एंड 6x9 विद वर्स आई ऑफ बोथ आईज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल एक्विटी इन राइट हैंडेड पर्सन राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आप में से कोई भी चश्मा लगाता है जैसे कि मैं लगाता हूं, तो मैं सीपीओ का फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि अगर मैंने पेपर वन क्वालिफाई भी कर लिया, पेपर टू तक मैं नहीं पहुंचूंगा जितना भी मेडिकली फिट हो जाऊं मैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों को ठीक नहीं कर सकता। इसमें लिखा हुआ है कि सनग्लासेस पहन के नहीं आना, और मान लीजिए आप कहते, कुछ लोग कहते हैं हम लैसिक करवा लेंगे, लेजर करवा लेंगे, तो बेटा उसमें देखो लिखा हुआ है लेजर ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल एक्विटी। किसी भी तरीके का अगर आपने सर्जरी करवाया हुआ है अपनी विजुअल एक्विटी को सही करने के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक। तो अगर आप बिना चश्मे के 6x6 का विजन रखते हो, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए, उससे अपना विजन चेक कराइए,
देखो आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग चश्मा नहीं लगाते, लेकिन कई बार आप जब चश्मा चेक कराते हो तो पता लगता है कि आपकी आईसाइट वीक थी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए, एक बार चश्मा चेक करा लीजिए और उससे क्लिक उससे लिखवा लीजिए, पूछ लीजिए कि हमें 6x6 का विजन है। वो चेक कर देते हैं अच्छे से, वो चेक कर देंगे और बता देंगे हाँ 6x6 है, और आप उसके बाद चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है 6x9, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि जैसे मेरी राइट आई में विजन जो है कम है, यानी कि आपको यूजुअली कम दिख, मुझे कम ही दिखेगा वो चश्मा लगाने के बाद भी। तो दिस इज ये होता है कई बार कि चश्मा लगाने के बाद भी कम दिखता है, तो 6x9 वर्स आई हो सकता है, ये चलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से क्लियर करिएगा। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, नॉक नी जो लोगों ने SSB की तैयारी करी होगी वो लोग अच्छे से जानते होंगे। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन और स्क्विंट इन आईज नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड पजेस हाई कलर विजन। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। देयर मस्ट बी गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफियर विद एफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वुड बी एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम हैव टू पास सेवरल सेवन ऑब्स्टेकल्स इवन एज मेंशन्ड बिलो, फेलिंग विच दे मे नॉट बी रिटेन्ड इन द फोर्स। यानी कि इतना सब होने के बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तब आपसे कुछ चीजें कराते हैं, जैसे वर्टिकल बोर्ड पे जंप कराना है, होल्डिंग द रोप ऑन हाई जंपिंग बोर्ड है, ये जो चीजें हैं ये वो करवाएंगे। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, वो ये कहते हैं। टैटू की चीजों को समझिए, जो लोग टैटू वाले हैं उन लोगों को भी ध्यान से समझिए। टैटूज विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशन, यानी कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर परमिटेड। तो यानी कि जो इंडियन आर्मी ने कहा है टैटू के लिए वो तो परमिटेड है, बाकी टैटू नहीं परमिट है। याद रखिए अगर आपने कुछ अलग सा सिंबल्स बना रखा है तो नहीं चलेगा। टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर आस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म बींग नॉन सेल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स विल बी अलाउड। यानी कि नॉन सेल्यूटिंग लिम्ब पर अगर आपका टैटू है तो वो चल सकता है, ठीक है। तो अगर बेहतर है कि अगर टैटू ना ही बनवाओ अगर आप लोग CP वगैरह की तैयारी करते हो तो। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड, यानी कि 1/4 से कम का ही टैटू होना चाहिए, ठीक है। तो ये टैटू का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अगर आपके हाथ में टैटू वगैरह है तो एक बारी किसी ऐसे व्यक्ति से दिखवा लीजिए जो SSB वगैरह देकर आया है, वो बेहतर बता पाएगा आपको कि टैटू कौन सा अलाउ होगा कौन सा नहीं अलाउ होगा, ठीक है। बाकी जानकारी आपकी कुछ खास नहीं है, आपकी बाकी चीज़ें जनरल वाली हैं, वो आपको पता होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको Tier 1, Tier 2 का टीयर क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप सेलेक्ट होगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए आपको इस एग्ज़ाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी यही फिजिकल वाली, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बच्चे पता है इसमें क्या होता है, बच्चों मैं बताता हूँ, इसमें आप में से ज़्यादातर लोग जो है CGL वाले हैं वो बैठ जाएंगे जाके, चश्मा लगाए हैं लेकिन फिर भी Tier 1 दे आएंगे जाके, ठीक है। और कट ऑफ आपका बढ़ा देंगे, कट ऑफ चला जाएगा तुम्हारा 140 के आसपास, अभी गया था 2018 का, अब कट ऑफ तो इतना गया है, लेकिन फिजिकल कितने लोग देने जाते हैं, 50% लोग फिजिकल देने नहीं जाते, उसमें से कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, तो Tier 2 फिर आसान बन जाता है आपका। तो कुल मिला के जो मेन हर्डल है फिजिकल है, और Tier 1 अगर अच्छे से क्वालिफाई कर लिया तो सिलेक्शन तुम्हारा डन है, ठीक है। तो Tier 1 की अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर लो, ये हमारा 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, पूरी आपकी SSC CPO की तैयारी हम लोग आपको करवा देंगे। इसमें आपको इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अमन त्रिवेदी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से, क्या क्या जानकारी है। इसके लिए अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे aman.ssc.mentor@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो भी जानकारी आपकी होगी मैं बता दूंगा अगर मेरे पास हुई तो। इसके अलावा टेलीग्राम पर सर्च करके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, उसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा अमन त्रिवेदी। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @ लगा के अमन त्रिवेदी अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप को जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर ये कोर्स है, आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि 1 अक्टूबर को कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कम से कम ये 5,000 से 6,000 हो जाएगी आपकी। तो आप जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए और फॉर्म भी जाकर जल्दी से भर दीजिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से रखिए।
और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में रखिए, या फिर आप इस aman.ssementor@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एक चीज़ हाँ, मैं आपको बताना रह गया, एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो ये एक चीज़ थोड़ा सा शॉकिंग था कि CGL का जो फॉर्म है, एक तो ये समझ लो कि 17 तारीख को उन्होंने कहा था नोटिफिकेशन आएंगे, 17 को आ गई। इसका मतलब CGL की नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है 30 अक्टूबर को आनी है, इसका मतलब 30 अक्टूबर को आ जाएगी, ठीक। दूसरी चीज, जो एज ऑफ रिकॉग्निशन होगी वो 1/1/2020 तक होगी मोस्ट प्रोबेबली, और जो ग्रेजुएशन की जो डेट मांग रहे हैं वो भी 1/1/2020 ही होगी, ठीक है। तो जो लोग CGL 2019 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर तैयारी करें। आप इसको देख सकते हो कितने महीने का समय दे रहे हैं, यहाँ पर सितंबर में फॉर्म आ रहा है और आपका दिसंबर में पेपर है, अक्टूबर नवंबर दो महीने का समय दे रहे हैं। तो आपका उसका फॉर्म आएगा नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका हर हालत में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा आपका CGL 2019 का। तो अच्छे से तैयारी करिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।